लेबल जनरेशन। आज हम इस वीडियो में लेबल जनरेशन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम प्रोडक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करके लेबल जनरेट करके प्रिंट कैसे करते हैं ये देखेंगे। संबंधित परचेज बिल में सेकेंड प्रोडक्ट को बारकोड ना होने से हम एक्मे इनसाइट सॉफ्टवेयर में से इस प्रोडक्ट का बारकोडिंग करेंगे और उसका बारकोड प्रिंट करेंगे। इसके लिए बिलिंग मेन्यू पर क्लिक करें। इसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट ये सब मेन्यू सिलेक्ट करें। सिलेक्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट मास्टर्स ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें लेबल जनरेशन ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करें। सर्च बॉक्स में 801 ये नंबर टाइप करके भी लेबल जनरेशन डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ लेबल जनरेशन विंडो ओपन हो जाएगी। नया डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए इंसर्ट की प्रेस करें। रिकॉर्ड विल बी एडेड विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें डेट और डॉक्यूमेंट नंबर ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा। फ्रॉम लोकेशन के सामने जिस लोकेशन में स्टॉक इन्वर्ट किया गया है वो लोकेशन सिलेक्ट करें और टू लोकेशन के सामने लेबलिंग करके जिस लोकेशन में स्टॉक भेजना है वो लोकेशन सिलेक्ट करें। फ्रॉम लोकेशन और टू लोकेशन के सामने आप आपके आवश्यकता अनुसार डिफॉल्ट लोकेशन सेट करके रख सकते हैं। टू लोकेशन में लोकेशन सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद आइटम रिकॉर्ड विल बी इंसर्टेड ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में से मनचाहा प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करके उसका बारकोडिंग कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीके के अनुसार परचेज बिल में के प्रोडक्ट्स कॉपी करके उनके बारकोडिंग कर सकते हैं। इसके लिए कर्सर इन्वेंटरी ब्लॉक में होते हुए कीबोर्ड से F8 की प्रेस करें। एंटर परचेज बिल नंबर विंडो ओपन हो जाएगी। जिस परचेज बिल में के प्रोडक्ट्स का बारकोडिंग करना है उस बिल का सीरीज और डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करके ओके बटन पर क्लिक करें। आइटम्स इन परचेज बिल ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें संबंधित परचेज बिल में मौजूद प्रोडक्ट्स में से जिसका बारकोडिंग स्टेटस आवर बारकोड है ऐसे सभी प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे। इसमें अगर कुछ ही सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के बारकोडिंग करने के लिए सिलेक्ट बटन पर क्लिक करके या F4 की प्रेस करके प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें। सभी प्रोडक्ट्स का बारकोडिंग करने के लिए सिलेक्ट ऑल इस बटन पर क्लिक करें या F5 की प्रेस करें। अगर किसी सिलेक्टेड प्रोडक्ट के सभी क्वांटिटी का बारकोडिंग करने के बजाय कुछ ही सिलेक्टेड क्वांटिटी का बारकोडिंग करने के लिए एंटर की प्रेस करें। मनचाही क्वांटिटी टाइप करके एंटर की प्रेस करें। इसके बाद सिलेक्ट किए गए आइटम्स कॉपी करने के लिए कॉपी टू वाउचर इस बटन पर क्लिक करें। अब सिलेक्ट किए गए सभी प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री ब्लॉक में कॉपी हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। प्रोडक्ट का बारकोड प्रिंट करने के लिए F2 की प्रेस करें। सभी प्रोडक्ट्स के बारकोड प्रिंट करने के लिए प्रिंट एंटायर डॉक्यूमेंट इस बटन पर क्लिक करें। बारकोड की प्रिंट आ जाएगी।